क्षमाय अवतार गुरवे प्रभु सती कपिति सत्यम गुरु ईशदान प्रभाव प्रकाशकाय शिखित्रे प्रभुपाद स्थानधार सुदीर्थ सारस्वत गणानंद संवर्धनाय नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती सिन्हां शिवार्षभानविधे दयिताय कृपावधये कृष्ण संबंध विज्ञान गाइने प्रभव माधुर्य चर प्रेम शिल्पानुग भक्ति श्री गौरा करुणा विग्रहाय नमस्ते गौरवान श्रीमूर्तये दिनताय रूपानुग विरुद्धात् सिद्धांत धामकः नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते दिव्यरम्भरसम्भोः पादं विजायते नमः भक्तिविगलाय सच्चिदानन्दनाय गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगपराय गौराविर्भाभ्रुमस्त निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम जगन्नाथाय वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः सङ्कर्षणकारणप्रयसाय सङ्कर्षणकारणदवसायि गद्भवसायि च पयद्दिशायि शेषास्त दशांशकला सलितानन्दकला शरणं नमास्ति नमस्ते तु हलभ्या नमस्ते मुसराय नमस्ते देवतिकांत नमस्ते भक्त नमस्ते बलिनांश नमस्ते धरणीधर पलम्बार नमस्ते प्राहिमान नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने कौरवकिशोरे भुजसद्यदेव शिरसिगिभिद्यां करदलदुकुलं नेत्रान्ते सहचरपदाकं यत् सदाशीमद्वृन्दावनवर लीलापरीचय जगन्नाथ स्वामी
नयन पथ राम भव तप कांचन गौरा राधे वृंदावन विषभानु सुते थे प्रणाम हे कृष्ण करुणा दीन बंधो जगत पति गोपेश गोपिका तम राधा कंचन वंदे नंद जस्ती पादरेभिष्ण जाम हरिकीत नाती भुवन भक्ताहीन अपराधदत्त क्षिप्ताश्च कामादितरंगम कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते प्रभु नित्यानंद सियद्वैत गदाधर शिवाय गौरा भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान का भिन्न प्रसाद प्रकाश विक्रम भगवत ज्ञान प्रदान का स्वयं विष्णु पासु भक्त गई तो माधव कृष्ण महाराज का कृपा अनंत दंडवत प्रणाम करती गहरी कृपा प्रार्थना करते इस प्रकार बात प्रदान कर जैसे उनको मैं याद कर सकूं और उनको सेवा मेरी आत्मा को नियोग कर सकूं मेरा ऐसा स्थिति शक्ति नहीं है सब चला दिया क्या कर जैसे उन्होंने हमको कृपा करी और उनकी सेवा में अपना शक्ति अपना इच्छा मैं दे सकता हूँ यही शक्ति उन्हें प्रदान कर और जितना यहाँ पर है गुरुवर्ग को जितना है गुरुवर्ग सब गुरुवर्ग हमारा पर परम पूज्यतम है अभी वही गुरुवर्ग सभी का करा दिया एक से भाई वो भी पाप नहीं करते उन लोग का दुर्भाग्य मैं उनका पाप पर अनंत को सत्संग दंड बसान गहरी दी की पास लिया प्रार्थना कर वो तो भगवान का धाम में है वहाँ है तो उनका दर्शन है सब मैं उनसे यही प्रार्थना करते हुए शक्ति प्रदान जैसे उनका उन लोगों को मैं सेवा कर सकूँ और जितना यहाँ पर उनका भक्त है चाहे वो ऐसा तो सन्यासी यहाँ पर बैठा है तो सन्यासियों को मैं प्रणाम करता हूँ अपना प्रणाम करके उनके कृपा प्रार्थना करते जो यहाँ पर भक्त है वो चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है उनका भी मैं प्रणाम करते उनके कृपा प्रार्थना मेरा सारा अपराध का प्रार्थना करते मेरे कृपा तक देखते मैं भगवान भक्त की सेवा कर सकते अभी
if you are here, cannot understand Hindi, you have to be there. Not it. Somebody is here, I think, from there. In that place. Otherwise, you won't be able to understand me. It will be difficult. पहले मैं ग्रंथ आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण ग्रंथे आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण चैतन्य चरितामृत में पहले चैतन्य इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत इट इज रिटन इसको विशेष रूप से बोला पहले ध्यान देके इसको समझ लीजिए ध्यान देके You should go through it very carefully. यहाँ पर कहते ग्रंथे आरंभ करी मंगलाचरण ग्रंथे आरंभ करी मंगलाचरण Before the ग्रंथ आरंभ में क्या करेंगे मंगलाचरण Before the scriptural scriptures itself, the invocation starts. What is that invocation? भगवान Remembering Guru Vaishnav Bhagavan. साधारण व्यक्ति नहीं है लोग They three are not ordinary persons. भगवान के गुरु की कृपा बगैर Without the mercy of Guru and the Lord, everything will be useless. Without the mercy of Vaishnavas, nothing can be obtained. मुक्त कहने से नहीं होगा Just by saying with the mouth, we cannot get the actual fruit. We should speak from the core of the heart. तब तो भगवान कृपा करेगा भगवान ओनली देन वी गेट द एक्चुअल ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड लेगा दे रहा है जो कुछ हम कह रहे हैं आप मिल जाएगा ग्रंथ आरंभ में बड़ी मंगल आचरण जस्ट बाय सेइंग विद द माउथ डू यू थिंक वी कैन गेट द फ्रूट नो सब ऐसे भूख के बोलने से ही होगा सद्गुरु उनको You have to take shelter to a Sadguru, a bona fide Guru. If you go for quantity, you will not get the quality. When we have confirmed faith in Sadguru from the core of the heart, then we will get the fruit. Guru Vaishnav Bhagavan So remembering Guru Vaishnav Bhagavan, all our impediments in devotion will be destroyed and whatever we desire we will obtain. There are only 4 lakhs of human species. हम लोग घूमता है वी हैव बीन वैंडरिंग थ्रू ऑल द स्पीशीज इस प्रकार जन्म होते तो मर जा मनुष्य जन्म में भगवान लाइक दिस वी हैव बीन वैंडरिंग थ्रू मेनी स्पीशीज व्हेन वी गेट दिस ह्यूमन बर्थ ओनली देन यू कैन परफॉर्म वर्शिप ओनली देन यू कैन परफॉर्म वर्शिप भक्तिनाथ ठाकुर लेकर कमल मंजरी दिया भक्तिनाथ ठाकुर इज कमल मंजरी इन श्री कृष्णस लीला भक्तिनाथ ठाकुर माए थोड़ा अपराध किया शिक्षा दिया Once our Guru Maharaj had given me teaching about the true identity of Bhaktivinoda Thakur. Go through his book. एक अक्षर नहीं लग सकता है आया है हाउ कैन ही बी ए हाउस होल्डर हाउ डू यू थिंक दैट ही इज अ हाउस होल्डर ही हैज बिकम ए हाउस होल्डर इन दिस परफॉर्म द पास्ट ऑफ हाउस होल्डर इन दिस मेटीरियल लाइफ बट ही हैज कम फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ महाप्रभु रो के सब कुछ उद्धार किया महाप्रभु ही केम हियर ही वाज क्राइंग एंड ही हैड गिवन बेनेडिक्शन टू ऑल द लिविंग एंटिटीज लेकिन
का अंतर्धान का बात. इवन द बीस्ट इन द फॉरेस्ट ही हैड गिवन बेनेडिक्शन बांग्लादेश में. But after his disappearance, then everyone had forgotten the true teachings of Mahaprabhu. Even in the very land of Bengal, devotees had forgotten the true teachings. And as a result, there are 13 Apasampradayas that had cropped up, all Paul Karta Bhaja, etc. Totadaram Das Babaji Maharaj said that you should not associate with these 13 types of Apasampradayas. लेकिन आदि भगवान कहते भाई यही जो मन्वंतर है यही मन्वंतर है सप्तम मन्वंतर. सप्तम मन्वंतर में भाई सप्तम मन्वंतर में कितना मंत्र यहाँ पर लिखा है. इन द सेवेंथ मन्वंतर द लॉर्ड अपीयर्ड कितना चौदह मन्वंतर तो है अट्ठाईस मन्वंतर. अट्ठाईस मन्वंतर मैंने वो गुंती करके करके आगे अट्ठाईस मन्वंतर मन्वंतर शेष नहीं होता है. वही मन्वंतर आदि एकादशी है ना. और यही मन्वंतर कितना है चार लोग बोलती जाता है किंतु इसमें लिखा है. हम लिखा लिखा पढ़ बताए बताए यहाँ पर क्या लिखा ये कमल मंजरी. कमल मंजरी जब गुरु महाराज जी आसाम में थे. भक्तिनाथ ठाकुर इज कमल मंजरी इन कृष्णास लीला. When I was in Assam, Guru Maharaj had revealed me the actual identity of Bhaktivinoda Thakur. That time he used to dictate, and I used to write. That time I had some feeling that Bhaktivinoda Thakur is a householder. देखो, इतना बहुत तुम देखा. अभी तुम जो So Gurudev called me. He said that so far you have been writing, now you read one scripture by Bhakti Vinod Thakur. वही उसको तुम यहाँ पर कल्याण कल्प recite the भजन्स written by Bhakti Vinod Thakur in कल्याण कल्पतरु. चारों इसको तुम याद करो विशेष रूप से कर लाकर याद करो सब कुछ मिल जाएगा. He said that by going through कल्याण कल्पतरु you get everything. पाठ करो कल्याण कल्पतरु किसी को कल्याण कल्पतरु ग्रंथ दिया इसमें कल्याण होता है सब. The meaning of कल्याण कल्पतरु is that by reading that grantha, the scripture, you'll get the actual auspiciousness. कैसा क्या गला बंद हो गया बात नहीं हो पाई क्या हो गया यू कैन बिलीव योर लैंग्वेज इज यस हिंदी हो जाएगा. हमारा अंदर में विकार आ गया. सो वेन आई वॉज गोइंग थ्रू द कल्याण कल्पतरु आई हैड गॉट सम डिवोशनल ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स फ्रॉम इनसाइड. देन गुरुदेव सेड नाउ यू स्टॉप रीडिंग. अभी तुम समझा के नाउ हैव यू अंडरस्टूड और नॉट किताब है दैट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर. डू यू थिंक दिस इज एन ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर. तुम्हारा ऐसा किस लिए हुआ. इफ इट इज एन ऑर्डिनरी स्क्रिप्चर हाउ कुड यू गेट द ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स इन यू. अरे करो तो कोई भगत उनके चरण में अपराध नहीं करो नहीं करो नहीं करो सब कुछ नाउ डोंट कमिट एनी ऑफेंस टू भक्तिनाथ ठाकुर एनी फर्दर कर गए.
गुरुदेव में कोई किसी का बात करेंगे तब सारा नष्ट हो जाएगा. If you think that Bhaktivinoda Thakur and his scriptures are ordinary, then all your devotions will, devotion will be lost. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इन्द्रिय. अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इन्द्रिय. With this material sense organs, we cannot comprehend Krishna's name, form, pastimes, etc. of the Lord. With these material eyes, we see beautiful things around us. Very nice to see. We give so much value to this, but when we close our eyes, blind ho jayega. Can you see anything? Can you see anything? जब नाक नाक से गंध लेता है जब we smell through our nose. नाक नहीं रहे गंध लेगा. The nose is not there. Can you smell anything? जब नहीं रहे तो वो बोल सकेगा. The tongue is not there. Can you taste anything? आज इंद्रिय जो है सब निरक्त था. Whatever we try to understand with this material sense organs is useless. श्रीकृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इन्द्रिय. ये प्राकृतिक इंद्रिय से हम लोग को कुछ मिल जाएगा दुनिया में. विद दिस मटेरियल सेंस ऑर्गन्स थिंक दैट वी गेट समथिंग देन इट इज नॉट सेंस. रुपये बहुत चलाएगा हाथ चाटा हो सब भूल गया. इसलिए हम थोड़ा अपना को समझाने के लिए अभी वो जिंदा रख गए. जैसे हमारा आप लोग भी हमको ऐसा शिक्षा दें. जब मैं नॉन सेंस हूँ नॉन सेंस हूँ मेरा समय आई एम रिमेम्बरिंग टू माई सेल्फ आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू. नॉट नहीं हो गया. यू आल्सो रिमाइंड मी दैट दिस इज नॉट गुड टू थिंक दैट विथ मटेरियल सेंस ऑर्गन्स आई कैन गेट एनीथिंग. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने क्या क्या किया. चरम कल्याण लाभ चेष्टा करा. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हैड गिवन टोल्ड अस चरम कल्याण लाभ फॉर द हाईएस्ट इटर्नल बेनिफिट. जिनका जन्म स्थान जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ धाम ही हैड अपीयर्ड इन जगन्नाथ धाम साक्षात जो जन्म से भजन करा. Right from his very birth, he had a very strong devotional inclination. Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada were sent by Mahaprabhu himself. बहु संभवन्ते सो ही हैड कमेंटेड ऑन लब्धवा सुदुर्लभम बहु संभवन्ते इन विच द पाथ फॉर हाईएस्ट इटर्नल वेलफेयर इज गिवन. क्या करना लब्धवा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते अनेक जन्मेर परे बांग्ला में लिखा. After many, many births, this human birth is eating. We have got this human birth after many, many births. गोवर्धन को धारण किया 7 साल का उम्र कहीं धारण किया दुनिया दिए धारण को लिफ्टेड गोवर्धन हिल यहाँ पे है अनेक जन्म परे मानव जन्म ला भैया सुतराज यह अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ. दिस ह्यूमन बर्थ इज वेरी वेरी रेयर. राजा भरत जंगल में आया था
King Bharat had compared forest, but he contemplated about a deer at the time of death and he became a deer. But in that life he remembered that he had left for forest to perform bhajan in the previous life and he associated only with sadhus in that life. By taking this bath, misused our time, we will go to Assam Islands. So this human birth is very, very rare, and if we don't use it, if we misuse this, then we don't know which birth we will get in our next life. Any moment we will die. Actually, I was to go long time, but that time, by Krishna's desire, I had come back. He said that your devotion is not complete, you should go back. So, this human birth is temporary. Even though this is temporary, this can give highest eternal welfare. This is the highest opportunity that we have got to get the eternal welfare. So a sober person, the next death occurs to him again, without wasting even a moment's time. He will endeavor for highest eternal welfare. Other species cannot obtain Lord, but humans have got the opportunity. They transmigrate from one body to other according to their nature. So on this shloka, Labdhva Sudurlabham shloka, Shla Bhakti Siddhanta Thakur Prabhupada had commented for 1 month at Ulta Danga Road in Calcutta. Calcutta, Ulta Danga Road. Ulta Danga Road mein aaya. So in Ulta Danga Road, he instructed everyone there. Jahar Srovane, kya hota hai? Yahan par likha ta diyo ke Bhagavad Bhajane Niyojito Kriya. Bhagavad Bhajane Niyojito Kriya. And he had engaged many persons in devotion during that 1 month's time when he commented on this shloka. That time an incident took place. Two students from Scottish Church College had come there.
they heard that there is a grand ceremony going on at Ultradanga Road. And a gigantic spiritual personality with golden complexion had come there to speak Harikatha. So they went there to see him. Harikatha. So they went there to listen to Harikatha by him. So as soon as they entered there, they saw a gigantic spiritual personality. And they were sitting behind and listening to Harikatha. Darshan Matri Tahar Abhi kya ho gaya? Sun raha hai. Just by his divine vision, they got transformed. So they were speaking, he was speaking Harikatha and they were listening to him. Lekin aisa dekha जो वही बहापुरुष स्वयं उनका तोड़ने का दिया एंड दैट टाइम प्रभुपाद हैड फिक्स्ड हिज विजन ऑन दिस टू स्टूडेंट्स उसका तरफ ऐसा देखा उसका तरफ देखा उसका तरफ देख के कहते तुम लोग जो ये जो यहां पर देख रहे हो जब देख रहे हो तो भजन करो He said that you have come here, you start performing devotion now, start bhajan. You leave your family life and do devotion. They said that we have to go to college. We have come here just to see, we have to go back to college. Concentrate on what I am saying to you. তাহার সংসার ত্যাগ ভগবত ভজনে দিয়ে তাকে সংসার ত্যাগ করে ভগবানের ভজন দিয়ে This human birth you have got for performing bhajan. এইসব ভাব তোমাকে উচিত হয়ে গেছে ত্যাগ 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 তব বলার দেখে মায়ের কলেজে পড়তাম वहां जाकर जाने पड़ेगा और संसार दे दी मेरा So they said that actually we have to go back to home. We have to. जाते थे रास्ते मत जाते. And he said that. तो क्या होगा? If you die on your way to your home or college, what will happen? मत जाते. क्यों रास्ते मत जाते? रास्ते मत जाते. रास्ते मत जाते तो कुछ नहीं होगा. If you die on your way, then this human life will not be successful. So don't do anymore. Right now, immediately start performing bhajan. Because he got this human birth after many, many births. This is very, very rare. Brahma-bhuta prasanna. Jagat-bhuta now. You are not of this world. You are from the Lord. Brahma-bhuta prasanna atma-nasati nyakam-sati. Brahma-bhuta hai. Woh kabhi shok nahi karta hai. Unka kuch nahi hota hai. A person who is fixed in the Lord, he will not lament for anything. Sara shok shama tumhara chala jai. Aadi se tum yahan par wahi Brahma aur Brahma dikha. So from now itself immediately you perform bhajan. Prasanna atma-nasati nyakam. আমার সর্বেশ আমার মেরা ভক্তি
So they had left everything and then stayed there in the mud from then on. Whoever used to come in front of him, Prabhupada used to teach them devotion and stop them and start their devotional practice. जीव का स्वरूप बंधन जानते दुख करें दुख करें दुख कारण जिज्ञास জীবের স্বরূপ আমরা আকমে করাইয়া জীবের স্বরূপ ও বন্ধন জনিত এটা স্থান বলে তোমাকে চিন্তা নিচ্ছ বন্ধন জনিত বন্ধনকে নিয়ে যো লিখা কারণ বুঝা সনাতন গোস্বামী হ্যাড ইনকোয়ার্ড ফ্রম মহাপ্রভু অ্যাবাউট দ্য ট্রু আইডেন্টিটি অফ সোল and the cause of the bondage of that soul in this material world. Kitne kisim ka paap, kitne mula ho raha hai, itna paani itna hai na, duniya mein ghoom raha hai. So there are many living entities, they are wandering. So Sanatan Goswami is asking the reason for that. So he is asking, who am I? Kyo mera har vakat paap hota hai? Why am I getting threefold afflictions? Ya nahi jane kya bol rahi hai. मैं नहीं जानता हूँ किस प्रकार से आई डोंट नो हु आई एम किस प्रकार से मेरा फीड हो एंड हाउ आई कैन गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस साधन से वो सुनते साध्य साध्य आदि से जो साधन होता है साध्य को किसको प्राप्त हो साध्य साधारण तत्व कुछ ही देना जाए सो ही साधारण इंक्वायर्ड अबाउट द सवाल करके object of worship and the path to obtain that objective. So all the religious teachings are there inside those teachings of Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Mahaprabhu said in return, in reply, that you know everything actually. Jana tattva bhav. Krishna bhakti dharo tumi jana tattva bhav. Jani dharo adi puche sadhu sava. Krishna bhakti you are fixed in devotion to Krishna, that's why you you know this. But you being a sadhu, you are inquiring for the welfare of other living entities. साधु पूछते हैं भक्त के शुद्ध भक्त के इसलिए दृढ़ता के लिए समझने के लिए सो हियर ही इज आस्किंग सो दैट द कंडीशन सोल्स विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल रिलेशन ऑफ द जीवस विद द लॉर्ड जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास कृष्ण परत्व शक्ति भेदा भेद सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग दैट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज eternal servitorship to the Lord. So this is in reply to Mahaprabhu's question of Sanatana Goswami's question of Mahaprabhu. Mahaprabhu and Bhagavan. Ajya kar raha hai. Tumhi jeev. Mahaprabhu is saying that you are a living entity. Tumhi jeev. এই জড় সম্ভূত শরীরটা কি তুমি জড় সম্ভূত শরীর হওয়া
this body which is an outcome of material energy. No, you are not this body. जड़ शरीर तुम्हारा है नहीं अथवा तुम्हारा मन आर यू योर माइंड शरीर की तुम्हें दिस मन इंटेलिजेंस तुम्हें वो भी नहीं एंड अहंकार दिस फॉल्स ईगो आर यू दिस थ्री नो दैट इज ऑल्सो नॉट So what is, who are you? You are the eternal servant of Shri Krishna. This way hum log Krishna seva mein log rahe hain. Nahi to duniya ka hi sab duniya ka achha bura kya usme dhanda kar ye Krishna ka prastha sab arthat Krishna chit jagat You are My from jagat, the marginal potency of the Lord. Madhyavarti simaye sthita hoya. Tumar ubhay jagater sambandha. Since you belong to the marginal potency of the Lord, you have attraction to the internal potency of the Lord, His abode, and the external potency of the Lord, this material world. Krishna sri tumar bheda bhed prakashu. उभय विद संबंध भेदाभेद संबंध है कृष्ण का यू हैव रिलेशन विद द लॉर्ड एज साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम धर्म संबंधे तुम्हें चिन्मय धर्म संबंधे तुम्हें कृष्ण अभेद प्रकाश एवं अभेद प्रकाश इन ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी You are one with the Lord. Chaitanya Dharma. Chaitanya. And since you are an atomic part of the Lord, you are different from the Lord simultaneously. Lord is supremely conscious and you are conscious atomically. एक साथ में जुगपत सिद्ध सो द जीवस हैव साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट क्वालिटी विद द लॉर्ड वन एंड डिफरेंट वननेस एंड डिफरेंस विद द लॉर्ड साइमल्टेनियसली स्वभाव से जुगपत एक साथ में भेदाभेद भेदाभेद प्रकाश आ गया जीव सूर्य रूप कृष्ण आंशिक कृष्ण अंश अंश की किरण कृष्ण अंश किरण कृष्ण इज लाइक द सन एंड द जीवस आर लाइक द रेस एमिनेटिंग फ्रॉम द सन जलचर जीव समूह अभी यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हम इसको अभी पढ़ने को नहीं चाहते क्योंकि आप लोग का समय चला जाएगा ये बाद में हमको पूछना एक बात से बस बोलते देयर आर मेनी थिंग्स रिटन हियर इट विल टेक लॉन्ग टाइम इफ आई वर टू स्पीक ऑल दिस यहाँ पर चैतन्य महापुरुष उन्होंने एक शिक्षा दिया So, but one thing that we should, that I want to tell you now is that Mahaprabhu had given special teaching to all of us through Gadadhar Pandit Goswami, who is his own internal potency. This teachings he has given in Jagannath. Gadadhar, unka shakti hai. Ab wo sab bata. Wo kahte dekho. Gadadhar Pandit is an internal potency of the Lord. So Mahaprabhu is saying that I have come to you. Gadadhar Bhagavat Path, O Sri Mahaprabhu, Prem Bhav. Gadadhar Bhagavat Path,
प्रेम भाव यहाँ कहते जो भागवत रिसाइटेशन पढ़े सबसे भागवत सुनिया प्रकाश प्रभु प्रेम भाव गदाधर दूसरा क्या सम्मुख में भागवत सुन के प्रकाश प्रभु प्रेम भाव दत्त. So when Gadadhar Pandit was reciting Srimad Bhagavatam, Mahaprabhu was feeling transcendental divine feelings. So what was Mahaprabhu saying to Gadadhar? He is saying to Gadadhar that please recite the teachings of Prahlad and Dhruva. He has not heard one time, but he had heard it hundreds and hundreds of times. My Gadadhar Pandit mera shakti hai. My unka unka shakti sa Gadadhar wo hai teri unka saath unka adhin hai Gadadhar. Gadadhar aur Gadadhar bhi Gadadhar is actually the internal potency and has very intimate relationship with Mahaprabhu. But in spite of that, Mahaprabhu is listening to the glories of Dhruva and Prahlad from him. He has listened to those teachings hundreds and hundreds of times. So what is the meaning? इसलिए बोलते हैं श्रीमद भागवत ग्रंथे सप्तमस्कंदे प्रह्लाद चरित्र भागवत ग्रंथ इन इन द सेवेंथ कैंटो ऑफ श्रीमद भागवतम प्रह्लाद स्टोरी इज गिवन चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत वो होता है वृंदावन दास वृंदावन दास बनने को नहीं चाहते वो बहुत बड़ा वही जो वृंदावन कहते हैं देखो रूप गोस्वामी और यहाँ पर प्रहलाद का बारे में वर्णन अच्छे वर्णन है बार बार गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीमद भागवत में भागवत पाठ एवं गौ सुंदर सो गदाधर पंडित गोस्वामी इज हियर द रिसाइटर ऑफ श्रीमद भागवत एंड गौ सुंदर इज लिसनिंग ध्रुव चरित्र विशेष सावधान के साथ शत शत बार महाप्रभु इज लिसनिंग टू दिस पास्ट टाइम्स हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स विद स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन ऑन दोस टीचिंग्स कुमार काल से कुमार काल सो व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद हियर प्रहलाद इज सेइंग दैट इवन फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड वन शुड स्टार्ट फॉलोइंग भागवत धर्म Because this human birth is very, very rare. But it is very meaningful because it can give the highest eternal benefit to the living entities. Anubhad, Pragyadekti, Kumar Kal Hoite. So a person who is intelligent from a very early childhood. Kumar Kal Hoite. भागवत धर्म अनुशीलन करिवे स्टार्ट्स फॉलोइंग द भागवत धर्म जन्म दुर्लभ बिकॉज ही नोज दैट दिस ह्यूमन बर्थ इज वेरी रेयर कुमार काल पांच साल उम्र से प्रहलाद हैड स्टार्टेड हिज डिवोशन फ्रॉम वेरी अर्ली एज फाइव इयर्स ही वाज दत्त कुल में बाहर में आए आई बच्चा वो सब दत्त कुल में आए लेकिन सब कुछ मिल जाएगा प्राज्ञ व्यक्ति कुमार काल से सो वंस वी स्टार्ट परफॉर्म वर्शिप फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड देन दे गेट एवरीथिंग अनुशीलन करना क्यों मनुष्य जन्म दुर्लभ
আবার অনিত্য দিস হিউম্যান বার্থ ইজ ভেরি রেয়ার ইট ইজ টেম্পোরারি বাট ইট ক্যান গিভ হাইয়েস্ট ওয়েলফেয়ার স্থান প্রাপ্ত করা इसका बात कहने के लिए बात है पहला उत्तान पाद सो व्हाट आर व्हाट इज उत्तान पाद इज द ग्लोरी ऑफ ध्रुव देयर वाज वन किंग उत्तान पाद सुनीति ही हैड टू वाइफ्स सुरुचि एंड सुनीति आदि सुनीति सुरुचि फरक फरक क्या सुरुचि राजा অতীব প্রিয়তম সুরুচি ইজ ভেরি ভেরি ডিয়ার টু দ্য কিং উত্তানপাদ সুনীতি ইতনা নেই সুনীতি আর সুরুচি দু পত্নী আছে সুরুচি রাজার অতীব প্রিয়তম কিন্তু সুনীতি বাট সুনীতি হ্যাড গট she is endowed with very good qualities. Gaudhe, putra dhruva. Sunithi Gaudhe, putra dhruva. So Suniti's son is dhruva. Suruchi Gaudhe, putra uttam. And Suruchi's son is uttam. And Suniti Gaudhe, putra dhruva. Abhi kya hua? वहां पर क्या किया महाराज वही सुनीति को सुख देने के लिए क्या किया उनका जो लड़का उत्तम उनका बोध कर ले सो द टाइम उत्तम द सन ऑफ सुरुचि वाज सिटिंग इन द लैप ऑफ उत्तानपाद प्यार जब किया And Uttam and Suruchi, they were very happy. Abhi kya hua? Jab dekha wahan par Suniti ka putra Dhruv wahan aa gaya. The time the son of Suniti, Dhruva, had come there. उनको पकड़ लिया उनके पास जाने के लिए and he was wanting to sit in the lap of Uttanapad उनका जो भाई उसका प्यार करते मुझे नहीं प्यार करते so in the children they have usual tendency that if the father is loving one the other will have a natural tendency to get love from the father so he had a desire from inside So the king saw that, yes, he is a small child, I should love him also. But Suruchi doesn't like him. So Uttanapad had desire from inside, but since Suruchi doesn't like, he could not take Dhruva in his lap. ऐसा कुछ चाहते हो तब ऐसा मांगने से नहीं मिलेगा पास आ जाओ सुरुचि सेड यहाँ पर लिख दिया वहां पर यहाँ पर आ जाओ आके तुम हमारा गर्भ में जन्म ले लो So she said that just by your desire, you cannot get the lap of your father. You should pray to the Lord that you take birth from my womb. And Suruchi had abused Dhruva a lot. माता सुनीति देखा इतना कितने देता है सो ध्रुव ही स्टार्टेड क्राइंग इंसेसेंटली हर वक्त उसके बाद देखो तो सुनीति सॉ दैट ध्रुव इज क्राइंग शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज क्राइंग
So she asked, Dhruv, tell me what happened, why are you crying? राजा का साथ मिलेगा नहीं, उनका हम धर्म दे पुत्र हो धर्म ले जाता है, ये सब भूल जाए आपको, इसलिए मेरा दिल बहुत. So the time the maid servant said that the abuses of Suruchi. So Suniti also cried, and after that she started pacifying that, you know, you don't have to fear, don't worry. And she gave him teachings. That time she did not think that Dhruva would leave his house and go to forest alone. So Suruchi was teaching to Dhruva that whatever sufferings you are getting, nobody is the cause. You are the cause of your own suffering. You have performed such previous activities in your past life that you are getting the results of those now. Because you have done some ill activities in the past, you are getting this result now. So you are the cause of your suffering. When you have belief in this, then only you can perform worship. So you should efface from the heart all kind of hostile mentality. You should completely face from your heart. And you perform worship of Supreme Lord. Then you will get the highest thing. So that time when Suniti was teaching, she thought that this son will be here only, he will not go anywhere. But then he left his house for the forest. And then he started crying in the forest, Kaha Padma Palas Lochan Hari, where is my lotus petal eyed Lord Hari? When King Uttanapada heard that Dhruva had left his house for the forest, the king started crying so much, my son, I lost him, I did not love him. He is gone. My son died. Where should I go? Whom should I speak to? So he forgot his relation with Suruchi that time. He was crying very incessantly. My son, my small child, he is gone. नारद ऋषि केम वो रास्ता में देखा ही सॉ ध्रुव ऑन द वे चैंटिंग कहा पद्म पला सुलोचन हरी वेरी इज माय लोटस पेटल आईड हरी ध्रुव इज क्राइंग लाइक दिस इन द फॉरेस्ट And he is hugging the
lion, he is hugging the serpent to see the if he is the lotus eyed Hari. But they are not performing any violent activity to him. So Narad saw that Lord himself is protecting this Dhruva. Nobody can do any kind of heinous activity to him. So he had this surety. So he thought that Uttanapad needs the support. He went to Uttanapad and Uttanapad is saying, I cannot live anymore, I am dying in separation of my son. So when he saw Narada asked, why are you crying? What are you crying for? Uttanapad is saying, my son died, my son is not there. Dekho, my Narada. Narad said very strongly, there is no person on this earth who can destroy your son. Nobody can commit any harm to your son. Don't fear. He will come back to you. Don't worry. Don't worry about him. I am saying this, your son will not die. There is no person on this earth who can kill your son. And Dhruva in the forest is feeling in the feeling of separation to the Lord. He is shouting his names. So after Narad visited Uttanapad, he came to Dhruva. So Narad Rishi, वहाँ पर आके उनको बोल दिया, देखो, Narad Rishi जाएँगे कहाँ पर? उदय मथुरा जो लोग किया है मथुरा मंडल में द्वादश वन है मथुरा वन है. There are 12 forests in मथुरा. 12 वन है. 12 वन जमुना पश्चिम भाग में उर्मा पश्चिम भाग में 700 वन है. 7 वन है. In the western side of Mathura, there are 7 forests. And there are 5 in the eastern side of the Mathura. So there are total 12 forests in Mathura. और पांच सात पांच बारह ये बारह यहाँ पर कहते एक होता है मधुवन. So where did Dhruva meet? In one of those forests named मधुवन. मधुवन हम लोग मधुवन में गया थे जाके वहाँ पर मधुवन के पास जाके वहाँ पर उनको कितना प्रणाम किया. During our ब्रजमंडल परिक्रमा we visit मधुवन. लोगों का मठ का पास मधुवन तालवन गोलवन बहुलवन तालवन कुमुदवन लाइक दिस मधुवन तालवन मधुवन तालवन कुमुदवन बहुलावन बहुलावन काम्यवन काम्यवन खदीरवन बंडी खदीरवन कन्मवन खदीरवन वृंदावन वृंदावन ए अभी ये जय पश्चिम भाग देगा और पूर्व भाग क्या
These are on the western side. Bhadravan. Bhadravan. Bhandirvan. Bhandirvan. Yeah. Bhandirvan, Bhadravan, Bhandirvan. Dilvavan. Dilvavan. Lohavan. Lohavan. Mahavan, Gokul Mahavan. Gokul Mahavan. Gokul Mahavan. Dhruv. Jamunaj Jeghade. जो घाट में ध्रुव जी स्नान करते थे, जो घाट में जमुना का कहा 24 घाट है, 24 घाट का अन्य ध्रुव घाट नाम प्रसिद्ध ध्रुव तीर्थ ध्रुव घाटे महिमा प्रचुर रूपे विभिन्न शास्त्र वर्णित है, इसको चिंता करो. The Dhruv Kila, which is in Madhuvan, the glories of this are narrated at many locations. Some devotees in Mayapur had got the blessings of Gurudev, Gaur Ashirvad. I would now request the certificates to be handed over to them through the hands of our Gurudev. प्रचार करते हैं इंटरनेट से हर तरीके के मीडिया से महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हैं, उसमें बहुत खुशी है. मैं चाहूंगा कि वो आगे गुरु जी का आशीर्वाद दें. बहुत सेवा करते हैं और सभी वैष्णव लोग उनकी सेवा से बहुत
और गुरु आदित्य जिस समय इस पट का निर्माण हुआ था उनके के चरणों में बैठ के आपको बताऊंगा, गुरु जी ने कहा था कि यह मंदिर ठाकुर जी का विराज जो स्थान है ये फर्स्ट फ्लोर में रखना, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के विग्रह का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं की आज्ञा को पालन करते हुए ठाकुर जी के विग्रह की और कोई शक्ति ना हो, कोई उत्साह ना हो, उनकी आज्ञा पालन करते हमारे मठ के ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो बहुत निष्ठा के साथ हमेशा ठाकुर जी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और जो सेवा हमको दी गई है बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, वो है हमारे मठ के उदाहरण प्रमुख जिनके लोग उत्तर प्रमुख के नाम जानते हैं, उनको सेवा जिसका प्रदान किया गया है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट अभी मायापुर में है, मैं चाहूंगा वो यहाँ पे आए और गुरु जी के हाथ से आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्तर प्रमुख और हमारे मायापुर में हर साल हरे कृष्ण डिवोटीज़, देयर इज अनाउंसमेंट हियर, Shri Gurudev is leaving for Dehradun tomorrow morning by 9:30 flight and he will land at 10:30 in Dehradun. On 12th there will be a Vyas Puja and Shri Ram Navami celebrations at Dehradun. On 14th Ekadashi Guru Maharaj will observe, 13th Rath Yatra. And on 14th there will be Harinam initiation by Shri Gurudev to devotees. 15th he will take rest there. 16th he will be back to New Delhi. And he will stay here on 17th and 18th for some health checkups. And on 19th or 20th Shri Gurudev and his Sevak team will start for Calcutta. So by 20th we will be there back in Calcutta. And provided we have good internet connectivity in Dehradun, we will try to provide Vyas Puja celebrations and any other Hari Katha celebration, Hari Katha by Shri Gurudev from Dehradun. Please visit our website for any announcements. और हमारे दिल्ली के एक और भक्त जो अभी हमारे नए नए गुरु भाई हुए हैं जिनकी दीक्षा अभी मायापुर में हुई, उन्होंने थोड़े से समय में गुरु जी के चरणों में इतना आशीर्वाद ग्रहण किया। हरे कृष्ण, जो लोग हिंदी भाषी हैं उनके लिए अनाउंसमेंट ये है, कल पूज्यपाद गुरु महाराज 9:30 बजे का एयर इंडिया फ्लाइट लेकर के देहरादून पहुंचेंगे 10:30 बजे तक। 10:30 बजे वहां पर वहां पर देहरादून के भक्तों के द्वारा उनका ये आरती इत्यादि करे होगा। बाद में 12 तारीख को श्री रामनवमी उत्सव और व्यास पूजा वहां पर मनाए जाएंगे। 13 तारीख को रथ यात्रा है। 14 तारीख को एकादशी के दिन गुरु महाराज जी हरिनाम प्रदान करेंगे और 15 तारीख को वहां पर विश्राम लेकर के 16 तारीख को हम दिल्ली में पहुंचेंगे। 17-18 तारीखों में वहां पर यहां पर दिल्ली मठ में गुरु महाराज जी का कुछ हेल्थ चेकअप होंगे और 19 और 20 तारीख के बीच में एक दिन हम कलकत्ता चले जाएंगे और देहरादून में हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रहे तो फिर व्यास पूजा और कोई हरी कथा जो भी गुरु महाराज जी देंगे उसे हम वेबकास्ट करने का कोशिश करेंगे और हमारा वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिए, कोई अपडेट्स हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हरे कृष्ण। दिल्ली वासियों को कृपा करने के लिए 16 तारीख को 12 बजे देखिए, ये हमारे पर गुरु जी की रहितों की कृपा है। जो बच्चा नालायक होता है ना, जो बच्चा कमजोर होता है उन पे ऐसे पिता ऐसे गुरुदेव बार बार आके कृपा करते हैं। हम लोग नालायक बच्चे हैं इसलिए हमें गुरु जी का दर्शन बार बार चाहिए और
16 तारीख को पुलिस यहाँ पे आएंगे ठीक 12:10 पे इसी फ्लाइट से, और इसके बाद अभी यहाँ पे सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, जो दूर से जो आए हुए हैं वो लोग ऊपर ग्रहण करेंगे बाकी सब लोग यहाँ पे, और मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ा रास्ता देंगे जो अपनी अपनी जगह पे जहाँ बैठा है वहीं पर गुरुजी को प्रणाम करें, क्योंकि कल गुरुजी से निकलना है और रास्ता बना के देना। और सुबह के साथ में सभी लोग बैठ के महामंत्र संकीर्तन।